चलिए दोस्तों, तो अपन करने जा रहे हैं अब रिविजनरी टेस्ट पेपर और कंपनीज एक्ट के अपन पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो फटाक से आ जाएंगे दोस्तों अपन कहां पर, कंपनीज एक्ट का आरटीपी नवंबर 2020 के अंतर्गत ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, सबसे पहला क्वेश्चन जल्दी से देखिए ये क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है। मिस्टर अनिल फॉर्मड अ ओपीसी, उन्होंने क्या फॉर्म किया दोस्तों, 1% कंपनी फॉर्म किया है ऑन 16th of April, ठीक है, दैट इज ऑन 16th of April 2018 फॉर मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कार। द टर्नओवर ऑफ द ओपीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 31st of March 2019 वाज अबाउट 2.25 करोड़। कितने करोड़ का टर्नओवर है? 2,25,00,000 का टर्नओवर है। हिज फ्रेंड सुनील वॉन्टेड टू इन्वेस्ट इन हिज ओपीसी, अच्छा सुनील जो है वो इन्वेस्ट करना चाहता है, मतलब वो शेयर खरीदना चाहता है, अच्छा, सो दे डिसाइडेड टू कन्वर्ट इट वॉलेंटरी इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब वो सोच रहे हैं कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या वो कन्वर्ट कर सकते हैं? तो याद करेंगे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि कभी भी ओपीसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना है तो कम से कम उसको 2 साल रुकना पड़ता है। कितने साल रुकना पड़ता है? 2 साल रुकना पड़ता है। अब अगर देखा जाए तो जो कंपनी है दोस्तों, उन्होंने अभी पर्टिकुलरली 16 अप्रैल 2018 को कंपनी बनाई है और 31 मार्च 2019 के आसपास अभी ये खड़े हैं, 2 साल तो हुए नहीं है, तो क्या ये कन्वर्ट कर सकते हैं? तो एक और आपकी कंडीशन होनी जरूरी है दोस्तों। एक तो होता है कि 2 साल होता है, लेकिन एक कंसेप्ट और होता है कि जहां पर टर्नओवर ऑफ द कंपनी अगर मान लीजिए एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ से, तो ऐसे केस के अंतर्गत आप वहां पर क्या कर सकते हैं, वॉलंटरी कन्वर्जन के लिए भी जा सकते हैं दोस्तों। तो यस, यहां पर वो क्या कर सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को आराम से कन्वर्ट कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि वहां पर क्या हो चुका है दोस्तों, टर्नओवर 2,25,00,000 को क्रॉस कर चुका है, 2 करोड़ को मतलब क्रॉस कर चुका है। समझ में आया? पक्का? सर इसका आंसर लिखना होता तो हम इसके आंसर को कैसे लिखते, तो प्लीज दोस्तों आइए अपन इसके आंसर को कैसे लिखते जल्दी से आ जाओ, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। चलो मेरे साथ अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक बार मैं आंसर्स भी लिख रहा हूं ताकि आपको एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं कि सर आंसर्स कैसे लिखते कैसे लिखते, तो आइए आज मैं आपको आंसर लिखना भी सिखा रहा हूं। कोई भी डाउट तो नहीं इसमें दोस्तों? पक्का? चलो आ जाइए, लिखेंगे अगर मेरे साथ लिखना चाहते तो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। एन ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलेंटरली इनटू प्राइवेट ऑब्लिक पब्लिक कंपनी, इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ओके, अनलेस 2 years हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द date of incorporation of the company. Except threshold limit that is paid up share capital exceeds 50 lakhs or turnover during the relevant period exceeds 2 crore rupees. चलिए
यहाँ पर एक चीज मैंने गड़बड़ लिख दी है, और टर्नओवर के यहाँ पर ड्यूरिंग एवरेज टर्नओवर लिखना था, यहाँ पर ठीक कर दीजिएगा दोस्तों, मैंने ठीक नहीं लिखा था, एवरेज टर्नओवर, ठीक है। तो एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड एक्सीड्स कितना दोस्तों, 2 करोड़। तो 2 करोड़ रुपए से ज्यादा वो क्या कर दिया दोस्तों, एक्सीड कर दिया है, ठीक है। चलो उसके बाद अब यहाँ पर अपन लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये तो हो गया अपना प्रोविजन, फिर अपना क्या दोस्तों, केस। केस की बात की जाए तो केस क्या बता रहा था, तो केस बोल रहा था भाई अनिल ने फॉर्म किया ओपीसी, और अब उसका जो टर्नओवर है 2 करोड़ 25 लाख रुपए, और सुनील जो है वो, अच्छा तो अपन इसी बात को लिख लेते दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अनिल फॉर्म्ड एन ओपीसी इन विच हिज फ्रेंड वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट, सो दे वॉन्ट टू कन्वर्ट दी कंपनी इंटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दी टर्न ओवर ऑफ दी कंपनी ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर वॉज ₹2.25 करोड़। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये अपन को देखा जाए तो ये चीज़ है। अब इस केस के अंतर्गत फिर अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे अपन लिखेंगे फ्रॉम दी अबव केस एंड प्रोविजन वी कैन से दैट, आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। वी कैन से दैट इवन दो 2 ईयर्स हैव नॉट एक्सपायर्ड फ्रॉम दी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सिंस इट्स एवरेज टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 16 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 हैज एक्सीडेड ₹2 करोड़ मिस्टर अनिल डिसीजन ऑफ कन्वर्टिंग दी कंपनी इज वैलिड। चलिए क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्तों, इतना बड़ा अपन ने आंसर लिखा है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और ये आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे तो आप देखो ये होता है 4 मार्क्स के लिए आंसर। और इसी तरीके से ही आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। छोटा सा आंसर अगर आप लिख लें और आपको, आप सोचें कि आपको उसकी दम पे मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको वहाँ पे पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रेजेंट करनी पड़ेंगी, जब आप प्रेजेंट करते हैं तो ही आपको क्या मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। चलो सो जल्दी से बताइए, और कोई डाउट है क्या आपको फास्ट, नहीं तो अपन आगे बढ़ें। ओके
अब क्वेश्चन आ रहा है सर कि यहाँ पे एवरेज जो होता है वो 3 साल का लिया जाता है, तो यहाँ पे तो 3 साल का लिया ही नहीं है, यहाँ पर तो अपन ने एक ही साल पकड़ा है। हाँ बेटा, अब क्या हो जाता है कि कभी भी एक्सीड कर जाए, कभी भी अगर एक्सीड कर जाता है, नो डाउट एवरेज पिछले 3 साल का लेते हैं, लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर इस साल ही देखा जाए, क्योंकि अब वो 2 करोड़ से ऊपर टर्नओवर हो जाता है, तो ऐसे केस के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, वॉलेंटरी कन्वर्जन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो वॉलेंटरी कन्वर्जन की अगर अपन बात करें दोस्तों, तो वहां पर जैसे ही ये चीज हो जाती है कि बढ़ जाता है हमारा एवरेज एनुअल टर्नओवर बढ़ जाता है, डेट इज एक साल का ही भले ही क्यों ना हो, अगर वो बढ़ जाता है तो उस केस के अंतर्गत अपन क्या कर सकते हैं, वॉलेंटरी जो है वो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके सर, अगर 2.5 करोड़ के बदले अगर 2 करोड़ लिखा होगा तो नहीं होगा बेटा, क्योंकि वहां पर वर्ड जो लिखा है वो लिखा हुआ एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ को एक्सीड करना जरूरी हो जाता है। चलिए, हो गया दोस्तों, ये आरटीपी जो है दोस्तों ये है नवंबर 2020 की, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है नवंबर 2020 है। ओके नैन्सी, मैंने इसका आंसर दे दिया, 2 करोड़ होगा तो अपन क्या नहीं करेंगे, कन्वर्ट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक्सप्लेन क्लियरली द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अपन ने ये कल ही पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में, as applicable in the cases of company registered under the Companies Act 2013, explain the circumstances in which outsider dealing with the company cannot claim any relief on the ground of indoor management. मतलब इन्होंने पूछा what do you mean by doctrine of indoor management, और दूसरा इन्होंने ये पूछा what are the exception, क्या पूछा दोस्तों what are the exception, तो यहां पर भी बड़े अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट द आउटसाइडर्स हु आर डीलिंग विद द कंपनी दो आर सपोज टू हैव सेटिस्फाइड देमसेल्फ रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द कंपनी टू एंटर इनटू द प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू अज्यूम कि जो भी कंपनी के अंतर्गत चल रहा है द कंप्लायंस टू प्रोसीजर एंड रेगुलेशन बाय द कंपनीज कंसर्न एवरीथिंग हैज बीन डन प्रॉपरली, कि भाई अंदर की जो भी चीजें वो एकदम सही चल रही है, सारी चीजें अंदर का इंटरनल मैनेजमेंट एकदम सही है, दे आर बाउंड टू एग्जामिन द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट of the company and ensure that proposed dealing is not inconsistent therewith. तो ये चीज़ उन्हें करनी ज़रूरी है। Exceptional cases जो होते हैं उसके अंतर्गत 3 cases हो जाते हैं। पहली चीज़ है if you are having the knowledge of the irregularity, दूसरा हो जाता है suspicious of irregularity that is negligence, और तीसरा हो जाता है दोस्तों forgery। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? पक्का अच्छे तरीके से? तो ये हो गया हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 इसमें नहीं है, 2 ही क्वेश्चन दिए थे नवंबर 2020 के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अब अपन बात करेंगे मई 2020 की, तो आइए दोस्तों मई 2020 के अंतर्गत हमारा क्या रहा है, तो मई 2020 के अंतर्गत अगर हम आएंगे तो ये रहा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये रहा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और ये रहा हमारा कंपनीज एक्ट। चलो आ जाओ, तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत आएंगे मई वाले पेपर के अंतर्गत। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है जल्दी से पढ़ेंगे। यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, ओके, नवीन इनकॉर्पोरेटेड आ व्हाट दोस्तों, ओपीसी मेकिंग ए सिस्टर नविता एज अ नॉमिनी, नविता इज लीविंग इंडिया परमानेंटली, ओ माय गॉड, परमानेंटली छोड़ करके जा रही है, मुझे छोड़कर जो तुम जाओगी बड़ा पछताओगी। आइए दोस्तों, तो अब यहां पर जा रही ड्यू टू हर मैरिज अब्रॉड, ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विदड्रॉइंग हर कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन इन द सेड ओपीसी। अब वो ओपीसी में क्या कर रही हैं दोस्तों, छोड़ करके जा रही हैं और वो अपना कंसेंट भी विड्रॉ करना चाहती है। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला, If Navita is leaving India permanently, is it mandatory to her to withdraw her nomination in the said OPC? क्या उसे nomination जो है उसे withdraw करना पड़ेगा? क्या लगता है answer? Yes or no? जल्दी बताएंगे। क्या nomination withdraw करना पड़ेगा क्या Navita को? बोलो दोस्तों बोलो। वेरी गुड, आंसर आने चालू हो गए। नविता को विड्रॉ करना ही पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया से बाहर जा रही है। सर यहां पे इंडिया से बाहर जा रही है उससे क्या लेना देना? अरे याद करो आप, अगर आपको ओपीसी का मेंबर बनना है या ओपीसी का आपको नॉमिनी बनना है तो आपके अंदर 3 चीजें होनी चाहिए। पहला आप क्या होना चाहिए, आप होना चाहिए इंसान। क्या होना चाहिए? इंसान। इंसान मतलब क्या? आप एक इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है दोस्तों कि आप क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए दोस्तों। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? आप रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो आपके अंतर्गत ये तीनों क्वालिटी होना जरूरी है,
सिटीजन इन इंडिया भी होना जरूरी है, रेसिडेंट इन इंडिया भी होना जरूरी है। अगर हम रेसिडेंट इन इंडिया की बात करें दोस्तों, तो याद होगा आपको इसके अंतर्गत आया हुआ है एक अमेंडमेंट, याद है क्या आपको? अमेंडमेंट के अंतर्गत यह बात बोली गई थी कि भाई रेसिडेंट का मतलब यहां पर हो जाएगा कि कम से कम 182 डेज रहना चाहिए ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। कौन सा ईयर है दोस्तों यहां पे? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर पे उसको होना जरूरी है क्या वहां पर? पिछले साल 182 डेज रहना जरूरी है, तभी वो होगा क्या रेसिडेंट इन इंडिया। तो आइए दोस्तों अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो इफ सेकंड केस है, इफ नविता मेंटेन द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट आफ्टर मैरिज देन कैन शी कंटिन्यू हर नॉमिनेशन द सेड ओपीसी, क्या वो कंटिन्यूड रह सकती है? द आंसर इज यस, हमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर वो क्या करती है, अगर वो नॉमिनेशन अगर वो मेंटेन रखती है तो यस नविता रह सकती है। समझ में आया दोस्तों? पक्का अच्छे तरीके से सर इस आंसर को लिखना होगा, तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? इस आंसर को अगर आपको लिखना है तो ऑब्वियस ही बात है आपको नॉमिनेशन के पूरे प्रोविजन लिखने पड़ेंगे, ठीक है? तो यहां पर आपको कैसे लिखना होगा, आइए इस बात को भी लिखवा देता हूं मैं आपको। एक और आंसर अपन लिखते हैं दोस्तों ताकि आपको मजा आएगा। चलिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है? A person can become, ओहो ये क्या हो रहा है, A person can become nominee, इसको नीचे कर लेता हूं थोड़ा सा, हाँ ठीक है, A person can become nominee of OPC only if he fulfills the three given condition, पहली condition he or she must be a natural person, दूसरी चीज he और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, तीसरा ही और शी मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? ये लिखना जरूरी है। चलिए अगर हम बात करें रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या हो जाता है, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों क्योंकि ये अमेंडमेंट का पार्ट है, तो ये अगर आप नहीं लिखोगे तो फिर दिक्कत जाएगी, तो इसीलिए अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर फॉर दिस पर्पस रेसिडेंट ऑफ इंडिया मींस अ पर्सन who has stayed in India for a period of not less than 182 days during the preceding financial year। ये आपको पूरा का पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा दोस्तों। फिर प्रोविजन के बाद आपको यहां पर लिखना पड़ेगा क्या, आपको लिखना पड़ेगा यहां पर केस। केस के अंतर्गत अपन क्या लिखेंगे, केस के अंतर्गत अपन वही बातें लिखेंगे कि भाई जो नविता है, ठीक है? तो यहां पर अपन को लिखना होगा केस वन, ठीक है? नविता इज leaving the country permanently and wants to withdraw from the position of nominee of OPC। पहला केस ही है, केस टू
नविता विल मेंटेन द रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेटस एंड वॉन्ट्स टू कंटिन्यू एज द नॉमिनी। तो यहां पर आपने केस वन लिख दिया और क्या लिख दिया आपने, केस टू लिख दिया, ठीक है। फिर इस पर अपन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन यहां पर लिख लो, ए लिखे क्या अपन यहां पे, केस ना लिख करके अपन यहां पर ऐसा हेडिंग दे दो केस का, यहां पे लिख लो ए और यहां पे लिख लो बी, वैसे ही कंक्लूजन का ए बी हो जाएगा, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। यहां पर लिख लो यस इट इज मैंडेटरी फॉर नविता टू विदड्रॉ फ्रॉम द नॉमिनी पोजिशन एज शी इज लीविंग द कंट्री परमानेंटली। समझ में आए? चलिए केस भी क्या रहेगा, केस भी अपन ये लिखेंगे यस नविता कैन कंटिन्यू हर नॉमिनी स्टेटस इफ शी मेंटेन्ड, इफ शी मेंटेन्ड द स्टेटस ऑफ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया, आफ्टर हर मैरिज। चलिए सो बताइए दोस्तों कैसा आपको समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, इसका पूरा आंसर लिखना है। मुझे उम्मीद है मैं आपको आंसर लिख करके दिखा रहा हूं दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या बोलते हो दोस्तों, जल्दी बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अच्छे तरीके से। अगर आज कोई न्यू स्टूडेंट है तो दोस्तों मुझे बताएं जरूर कि आज कोई न्यू स्टूडेंट अगर जुड़े हों तो, और उन्हें ये सेशन कैसा लग रहा है। चलिए सो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, एग्जामिन द फॉलोइंग वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट अलोंग विद द रीजन, रीजन भी बताना है। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट स्यू और बी स्यूड। क्या लिखा हुआ दोस्तों यहां पर, यहां पर लिखा हुआ है कि भाई कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है और वो ना तो क्या कर सकती है, ओन कर सकती है प्रॉपर्टी, ना ही कोई उसके ऊपर स्यू कर सकता है और ना ही वो किसी के ऊपर स्यू कर सकती है। समझ में आया? चलिए तो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इस केस के अंतर्गत क्या बोला गया, यहां पर, यहां पर बोला गया है कि भाई ये जो बात है क्या ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों ये बात क्या होने वाली है, इनकरेक्ट होने वाली है। क्यों इनकरेक्ट होने वाली है, ऑब्वियसली बात है भाई कि इस केस के अंतर्गत जो कंपनी है अगर वो आर्टिफिशियल पर्सन है तो उस केस के अंतर्गत उनके पास पूरा अधिकार है कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और सेपरेट लीगल एंटिटी है तो पूरा अधिकार है कि कंपनी कैन ओ इट्स ओन प्रॉपर्टी, कैन स्यू एंड कैन नॉट एंड कैन बी स्यूड। समझ में आ गया, वो स्यू भी कर सकती है और वो केस उसके ऊपर भी हो सकता है। समझ में आया पक्का? अच्छा सर इसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, क्या सिर्फ ट्रू फॉल्स लिख करके छोड़ देंगे क्या? आंसर इज नो दोस्तों। अगेन अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको अच्छे तरीके से इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको लिखना कैसे है ध्यान से समझिए, इसको आपको इस तरीके से लिखना होगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, चलिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, ठीक है ऐसे ही लिखना होगा। चलिए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द
प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है भाई, कैसे पैदा करते हैं? इस तरीके से पैदा करते हैं। ठीक है, आगे इट इज अ पर्सन, एक तरीके से वो पर्सन ही है। क्लॉथ बाय, इट इज अ पर्सन क्लॉथ विथ ऑल लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। द कंपनी हैज गॉट सेपरेट लीगल एंटिटी हैविंग इट्स ओन सेपरेट प्रॉपर्टी। द कंपनी कैन एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। समझ में आ गया? तो ये बात आपको लिखनी पड़ेगी दोस्तों, और ये बात लिखने के बाद आपको यहां पर फिर लिखना पड़ेगा फ्रॉम दी अबव प्रोविजन द केस आस्ड इन क्वेश्चन स्टैंड्स इन करेक्ट। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों, तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा तभी आएगा। सिर्फ सोचें इनकरेक्ट लिखने से आंसर से मार्क्स मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चलिए चलो, सो ग्रेट नेहा, आप जरूर पिछली क्लासेस जरूर देख लीजिएगा। आपको कंपनीज एक्ट की जो हमारी पिछली क्लासेस हैं वो जरूर 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 देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन है हमारे बीच में, बी पॉइंट क्या बोल रहा है। अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर व्हाइल अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड मस्ट हैव एटलीस्ट ऑफ 7 मेंबर्स। ये बात तो एकदम एकदम क्या है दोस्तों, करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 अगर हम बात करें, बेसिक रिक्वायरमेंट है दोस्तों जो कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी 7 और मोर पर्सन है दोस्तों, और इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 और मोर पर्सन है। तो ये बात एकदम क्या है, करेक्ट है। तो आप बकायदा इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस अंडर द कंपनीज एक्ट एंड वॉट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपसे पूछा गया डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस के बारे में। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस आपने पढ़ा ही हुआ है दोस्तों, वेर अल्ट्रा मीन्स वर्ड दोस्तों बियॉन्ड, एंड वायरस का मतलब क्या होता है दोस्तों, पावर। तो जो भी कंपनी के पावर के बियॉन्ड अगर कोई काम होता है तो इट इज वर्ड दोस्तों अल्ट्रा वायरस टू दी कंपनी। ओके, अब कोई भी चीज अल्ट्रा वायरस कैसे होती है, तो भाई पावर्स ऑफ द कंपनी इज डिफाइंड अंडर कंपनीज एक्ट अंडर द ऑब्जेक्ट लॉज of the memorandum of association and the and those act which is ancillary to the main object of the company, these are within the power. If outside the power company enters into any sort of contract, then it is known as ultra vires, and because of that the contract becomes void ab initio. And contract agar void ab initio ho jata hai to there is no rights of the other party to sue to the company. Theek hai, koi bhi right nahi hota other party ka ki wo company ke upar enforce kar sakti hai rights ko. All the directors will be personally liable. समझ में आ गया दोस्तों? तो इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। अच्छे तरीके से आपको इसको लिखना पड़ेगा। अच्छा, क्या रेटिफाई किया जा सकता है क्या? आंसर इज नो। ये सारी चीजें अपन ने कल की क्लास में क्या किया था दोस्तों, रिवाइज किया था। ठीक है चलो, तो यहां पर हमारे आरटीपी जो है दोस्तों ये कंप्लीट होता है। चलिए तो दोस्तों यहां पे आरटीपी कंप्लीट हो गया है। अब अपन आएंगे क्या करने के लिए, अब अपन आएंगे, अरे रुक जा भाई ये क्या हो रहा है। चलिए अब अपन करेंगे अपना एमटीपी। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर्स पे आ जाएंगे। चलो दोस्तों, तो हमारे सामने है अब मॉक टेस्ट पेपर। ठीक है, मॉक टेस्ट पेपर की बात की जाए दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा पेपर है। अब इसमें अपन को ढूंढना पड़ेगा कि भाई कंपनी लॉ से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 2। देख पा रहे हैं आप, जल्दी से पढ़ेंगे, 4 नंबर के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्या लिखा हुआ है पढ़िए,
लिखा हुआ है यहां पर कि भाई जो कंपनी है वो कंपनी जो है वो है PQR प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 40 लाख एंड टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी एंड एग्जामिन वेदर PQR प्राइवेट लिमिटेड कैन अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो पूछा गया स्मॉल कंपनी क्या होती है, तो याद करेंगे पहले तो सेक्शन नंबर याद है क्या आपको, सेक्शन स्मॉल कंपनी का अपन ने देखा था कौन सा दोस्तों, सेक्शन 2 सबसेक्शन 85, वेरी गुड दोस्तों। तो 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन करता है स्मॉल कंपनी को, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख, द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़ एंड अमाउंट विच शैल नॉट बी मोर देन व्हाट दोस्तों 10 करोड़ एंड टर्न ओवर एज पर लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर डज नॉट exceed 2 crore or such higher amount as may be prescribed which shall not exceed then more than दोस्तों 100 crore। समझ में आ गया दोस्तों, तो उसे अपन क्या बोलते हैं small company। okay, small company के लिए क्या बोला गया, nothing in this clause shall applicable to holding company or subsidiary company, company registered under section 8 company, a company or body corporate which is governed by any special act। अब बात करेंगे दोस्तों in the present case जो कि PQR private limited है दोस्तों, उसके बारे में पढ़ भी ले। हाँ ओके, PQR प्राइवेट लिमिटेड है दोस्तों, उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो है 40 लाख एंड हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 2.5 करोड़। सिंस ओनली वन क्राइटेरिया ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल दैट इज 50 लाख इज मीट बट द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ टर्नओवर 2 करोड़ वाला वो मीट अप नहीं हुआ है, सो हियर इट कैन नॉट, अगर हम बात करें बोथ द क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है टू अवेल द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। अब क्योंकि एक ही क्राइटेरिया मीट अप हुआ तो ऑब्वियस ही बात है कि ये जो है वो स्मॉल कंपनी का जो बोलना चाहिए स्मॉल कंपनी का जो स्टेटस लेना चाहती है वो नहीं ले सकती क्योंकि टर्नओवर किससे ज्यादा है दोस्तों 2.5 करोड़, दैट इज 2 करोड़ से ज्यादा है। समझ में आ गया दोस्तों, पक्का मजा आ रहा है पक्का। आइए फिर बात करते हैं दोस्तों यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत, तो नहीं पार्टनरशिप डीड वाला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाला, नमो डेट क्वाइट नॉन अबैट वाला है, पार्टनरशिप वाला है, ए हु इज द बायर वाला है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फिफ्थ का सेकेंड क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं अपन लोग फिफ्थ का कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर। यहां पर लिखा हुआ है द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउंड सिंडिकेट लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी एम्पावर्स द मैनेजिंग डायरेक्टर टू बोरो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मिस्टर लिडले लिडिल क्या पता क्या बोलेंगे, मिस्टर एल ठीक है, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रोच इजी फाइनेंस लिमिटेड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी फॉर अ लोन ऑफ 25 लाख इन द नेम ऑफ द कंपनी। द लेंडर अग्रीड एंड प्रोवाइडेड द अबव सेड लोन, लेटर ऑन साउंड सिंडिकेट रिफ्यूज टू रीपे द मनी बोरोड ऑन द प्रोटेक्ट दैट नो रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग सच लोन हैव बीन एक्चुअली पास बाय द कंपनी एंड द लेंडर शुड हैव इंक्वायर्ड अबाउट द सेम प्रायर टू प्रोवाइडिंग सच लोन, हेंस कंपनी इज नॉट लाइबल टू पे सच लोन। एनालाइज द अबव सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लो अब आपको बता ही दिया कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा अंडर द कंपनीज एक्ट एंड एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ साउंड सिंडिकेट इज करेक्ट और नॉट। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको किसके बारे में बताना पड़ेगा, तो आपको बताना पड़ेगा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में। दैट इज अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन पर्सन डीलिंग विद द कंपनी नीड नॉट रिक्वायर वेदर इंटरनल प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट आर फॉलोड करेक्टली वंस दे आर सेटिस्फाइड दैट द ट्रांजैक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ द कंपनी। स्टेक होल्डर्स को कुछ भी इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है, वो ये चीज लेकर के चल सकते हैं कि अंदर की जो भी प्रोसीडिंग्स है वो रेगुलर मैनर पे चल रही हैं। समझ में आया, ये जो डॉक्ट्राइन है दिस डॉक्ट्राइन वर्क्स इन द फेवर ऑफ द आउटसाइडर एंड इट वर्क्स अगेंस्ट द कंपनी। समझ में आ गया दोस्तों पक्का। अब यहां पे पूछा गया है कि भाई इन द गिवन केस क्या होगा, तो इन द गिवन केस इजी फाइनेंस लिमिटेड बीइंग एक्सटर्नल टू द कंपनी नीड नॉट रिक्वायर वेदर द नेसेसरी रेजोल्यूशन वाज पास्ड प्रॉपर्ली और नॉट। इवन इफ द कंपनी क्लेम दैट नो रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द लोन वाज पास्ड, द कंपनी इज बाउंड, कंपनी अभी भी क्या है बाउंड है टू रीपे द लोन ऑफ इजी फाइनेंस लिमिटेड। हेंस यहां पर क्वेश्चन लास्ट में क्या पूछा गया था, हेंस एग्जामिन वेदर द कंटेंशन ऑफ साउंड साइंस लिमिटेड इज करेक्ट और नॉट, द आंसर is yes, hence so the contention of Sound Syndicate Limited is valid। कुछ आया कि नहीं आया दोस्तों पक्का। शांतनु आपने not correct क्यों लिखा दोस्तों, सॉरी एकदम सही है साउंड, सॉरी साउंड सिंडिकेट के जो बातें हैं वो एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है दोस्तों सॉरी मुझसे ही गलती हो गई, तो साउंड सिंडिकेट लिमिटेड की जो बातें हैं वो एकदम इनकरेक्ट है, ठीक है बाकी मैंने जो बाकी ऊपर की बातें बोली है वो एकदम सही है, उन्हें तो लोन रीपे करना पड़ेगा।
चलिए, ओहो ये देख रहे हो मॉक टेस्ट पेपर में वही कॉपी पेस्ट आ गया। सिक्स का थर्ड क्वेश्चन, अकम्पनी बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन, कहाँ से आया ये? ये आया May 20 की आरटीपी से। अकम्पनी बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन एंड कैन नॉट सी और कैन नॉट बी सूड। अब भी अपन ने लिखा, ये देखो इतना बड़ा मैंने आपको लिखवाया था, देख रहे हैं आपको ये वाला पॉइंट जो है यही मैंने आपको लिखवाया था। और दूसरा पॉइंट भी वही है, क्या लिखा है? अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर वाइल अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट अ 7 मेंबर। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये वाला पॉइंट भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। कोई भी डाउट दोस्तों इसमें? फिक्स है पक्का? चलिए चलिए, तो अब अपन जा रहे हैं कहां पर? नवंबर 19 के पेपर में। ठीक है तो आ जाइए दोस्तों। चलिए, एक्स फाउंड यहां पर उसे रेस्टोरेंट में वॉलेट मिला इन द लाइट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके मिस्टर अनिल ओपीसी, ओ माय गॉड, देख रहे हो आप देख रहे हो, मैं हमेशा आपको बोलते आया हूँ एमटीपी आरटीपी ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शांतनु आपका क्वेश्चन जो है ना सर आरटीपी के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो देख लो अनिल फॉर्मडा ओपीसी वाला क्वेश्चन ये अभी अभी अपन ने किया था आरटीपी में, समझ में आया? और ये नवंबर 19 में आया, हालांकि आरटीपी बाद में आई है और पेपर पे पहले ही आ गया है, उल्टा भी होता है। ठीक है तो ये मिस्टर अनिल वाला क्वेश्चन तो अपना हो ही चुका है। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन टू, डिफाइन कंसिडरेशन एलएलपी। ठीक है भाई अपन ये देख लेंगे। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कंटिन्यूइंग गारंटी गुडविल, ये भी हो चुका है, मतलब हुआ क्या, मतलब कंपनीज एक्ट से रिलेटेड नहीं है, और कौन सा कंपनीज एक्ट से? व्हाट आर द राइट, ये भी नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 भी नहीं है, क्या बात है भाई, कंपनी लॉ का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया क्या? अब ये तो आना चाहिए, ये तो भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। ये रहा द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं दोस्तों। एमओए एओए आपको पता होगा दो प्रकार के मेन डॉक्यूमेंट होते हैं हमारी कंपनी के अंतर्गत, तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई जो मेमोरेंडम और एसोसिएशन होता है दोस्तों कंपनी का, वो जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई उसके कंटेंट जरा सा बता दीजिए, तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी जो है दोस्तों वो चार्टर माना जाता है, डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द स्कोप और द पावर ऑफ द कंपनी विद विच इट हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट। इट इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ द वर्ड दोस्तों, जो कि कंपनी जिस पर इनकॉर्पोरेट होती है अगर अपन बात करें दोस्तों इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द ब्रीफ कंटेंट ऑफ व्हाट दोस्तों, एमओए। एमओए के कंटेंट के अंतर्गत आपको याद होगा अपन ने कैसे याद किया था दोस्तों, नसोल का याद है, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, और एक और होता है एन, ये कौन सी कंपनी में होता है? ओपीसी में नॉमिनेशन क्लॉज। नेम क्लॉज क्या होता है दोस्तों? नेम कंटेंट करता है कंपनी का, अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो लिमिटेड होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो प्राइवेट लिमिटेड। सिचुएशन क्लॉज के अंतर्गत होता है दोस्तों नेम ऑफ द स्टेट इन विच द कंपनी हेड ऑफ जो है वो रहेगा, रजिस्टर्ड होगा। ओके ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है वो ये बताता है कि कंपनी क्या-क्या काम कर सकती है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स बताता है। कैपिटल क्लॉज जो है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बताता है, ऑफ और उसके अंतर्गत क्या बताता है, टोटल शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। एसोसिएशन क्लॉज में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 लोग और पब्लिक लिमिटेड कंपनी कम से कम 7 लोग होगा, यहां पर वो लोग होते हैं जो साइन करते हैं। नॉमिनेशन क्लॉज जो होता है वो सिर्फ ओपीसी में लगता है कि जब भी मेंबर की डेथ होगी तो आखिर कौन संभालेगा। अरे आया पक्का अच्छे तरीके से। चलो दोस्तों तो मुझे पूरी 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 उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा होगा, और यही था शायद तक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्या है, इसके बाद अंग्रेजी चालू हो गया होगा शायद, नहीं हुआ, अरे वाह। डिफाइन द टर्म कोएर्शन, ठीक है भाई ये आइए, ओ हो क्वेश्चन नंबर 6 का सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे ना पूरी उम्मीद लगती है कि इस टाइप का ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बहुत बार पूछ चुका है और आगे भी पूछेगा। ठीक है तो ये क्वेश्चन किसके ऊपर है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए क्या बात कर रहा है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये बात करता है, डैट इज अबाउट दी कंसेप्ट ऑफ व्हाट दोस्तों, लिफ्टिंग अप दी कॉर्पोरेट व्हील। तो ये कॉर्पोरेट व्हील के बारे में बात करता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी बात करेंगे, क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बात कर रहा है किसके बारे में, ए एन एस एस सी एज अ लार्ज इनकम इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स टैक्स लायबिलिटी। उसने 4 कंपनी बनाई और ट्रांसफर्ड इज इन्वेस्टमेंट इन टू देम इन द एक्सचेंज ऑफ द शेयर्स। द इनकम अर्नड बाय द कंपनी वाज टेकन बैक बाय हिज प्रिटेंडेड लोन, कैन ए बी रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बी फॉर्म। बताइए क्या ए जो है क्या वो अलग माना जाएगा क्या? तो याद करेंगे दोस्तों इसके लिए अपन ने केस पढ़ा था, केस का नाम था डिंशा मानिकजेट पटेट, याद होगा दोस्तों आपको। तो डिंशा मानिकजेट पेटेट के अंतर्गत वही केस होता था दोस्तों, याद होगा डिंशा चाचा थे अपने और वो बहुत सारी इंटरेस्ट इनकम कमाते थे, तो यही वाली बात आपको यहां पर थोड़ा अच्छे से लिखनी है, वो केस को समझाना होगा, फिर उसके लिए आपको उसके पहले प्रोविजन समझाने, फिर केस समझाने, और फिर उसका लास्ट में आपको क्या देना है दोस्तों, कंक्लूजन। और कंक्लूजन लास्ट में क्या पूछा गया है, कैन ए बी रिगार्डेड एज सेपरेट फ्रॉम द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बी फॉर्म। द आंसर इज नो, ए जो है वो सेपरेट माना नहीं जाएगा।
समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर लग जाएगा लिफ्टिंग अप दी वॉट दोस्तों, कॉर्पोरेट वेल। कोई भी डाउट दोस्तों? पक्का अच्छे तरीके से? चलिए अला ठीक है, आइए। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, व्हाट इज सेक्शन 8? एनपीसी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ठीक है, आइए। अर्नड ह्यूज प्रॉफिट, अच्छा पहले ये बताओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता ना? होता है पक्का, लेकिन उस प्रॉफिट को प्रॉफिट ट्रीट नहीं करते, ये उस पैसे को उसी चीज में इस्तेमाल कर देते जिसके लिए से बनाया गया है। एग्जाम्पल शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट, अगर देखा जाए तो वो भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट है। पैसा आता है? आता है नहीं आता? अरे अफराद आता है, पैसा नहीं आता अफराद आता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली बात है, इतना इतना पैसा आता है। तीन तीन, अभी कल अयोध्या का जो केस हुआ उसमें मंदिर बनेगा, अब मंदिर जब बनना है तो उसके लिए केंद्रीय सरकार कितना पैसा देने ऐसा क्या उम्मीद भरी निगाहों से क्या देख रहे हो? ठीक है बताओ, 5,000 करोड़ रुपए कितने दे रही है? 5,000 करोड़, उसमें से हमारे रामदेव बाबा है, बाबा पतंजलि, ठीक है। तो अब बाबा ने कितना बोला पता है? 1,000 करोड़ रुपए। बाबा बोलते हैं मैं 1,000 करोड़ दूंगा, केंद्रीय सरकार बोलती है मैं 5,000 करोड़ दूंगी। आप समझ रहे, मंदिर बन रहा है, पूरा टाउन बन रहा है, समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं, पूरा टाउनशिप का प्रोजेक्ट चल रहा है, एक नया रायपुर खड़ा कर देंगे वहां पे, तो 6,000 करोड़ में वो बनेगा। अच्छा उसके बाद भी लोग बैठे हैं, और जरूरत पड़ेगी बैठे हैं हम, समझ में आएंगे नहीं, ऐसे भी लोग बैठे हुए बेटा, तो ऑब्वियस ही बात है आप समझ लो, तो इनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन ये सिर्फ 6,000 करोड़ सिर्फ किसमें यूज होगा? घर ले जाने के लिए आएगा क्या? नहीं, ये सिर्फ उसी काम के लिए यूज होगा जिसके लिए से बनाया जाएगा, समझ में आया? तो ऑब्वियस ही बात है, आज इसी की बात करें तो सेक्शन 8 कंपनी ने ह्यूज प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू सम फेवरेबल पॉलिसी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी। कंसिडरिंग द डेवलपमेंट सम मेंबर ऑफ द कंपनी वॉन्टेड द कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। अच्छा डिविडेंड क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। और क्या ये कंपनी प्रॉफिट मानती है क्या उस पैसे को? नहीं। तो अब कुछ लोग बोल रहे हैं भाई इतना पैसा आ गया कहां रखोगे, कुछ हम गरीबों को बांट दो, तो अब वो पैसा मांग रहे हैं। दे अप्रोच यू, मेरे पास आए बेटा काय के लिए? एडवाइस लेने के लिए कि वो कितना डिविडेंड दे सकते हैं। तो बताइए कितना दे सकते हैं? जीरो, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब करनीच नहीं दूंगा। तो अगर जो पैसा आया उसे तुम डिविडेंड के नाम पर कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो अपन को यही बताना है भाई, सच कंपनी इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट ओनली इन प्रमोशन ऑफ व्हाट बेटा, ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। तो इन द प्रेजेंट केस क्या बोल दिया गया है? द कंपनी इन क्वेश्चन इज अ सेक्शन 8 कंपनी, और सेक्शन 8 कंपनी होने की वजह से वो कंपनी क्या नहीं कर सकती है? वो प्रॉफिट को एनहेंस इट कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, दस द कंटेंशन ऑफ मेंबर इज इनकरेक्ट। लास्ट लाइन देखी, वो मेंबर के हिसाब से ही लिखी गई है, तो उसमें नहीं छोड़ दिया गया से बता करके, आया कि नहीं आया? पक्का? चलो थोड़ा फास्ट करेंगे, आ जाओ ध्यान देंगे। डिफाइन ओपीसी, ओपीसी व्हाट इज ओपीसी? अरे 1% कंपनी याद है क्या? 1% कंपनी मतलब कि सबसे छोटू कंपनी। अरे एक ठो मेंबर रहता ना, छोटू, 6-2, दैट इज छोटू। तो सबसे छोटू कंपनी होती है जिसके अंतर्गत, अच्छा ये प्राइवेट कंपनी का पार्ट है कि पब्लिक कंपनी का? प्राइवेट, जिसके अंतर्गत मिनिमम मेंबर भी कितने होते हैं? 1, और मैक्सिमम भी कितने होते हैं? 1, याद रहेगा पक्का। चलो तो अगर हम बात करें तो ये होता है हमारे ओपीसी के बारे में। चलिए ओपीसी की अगर हम बात करें आगे क्या लिखा है, स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप। अगर आपको मेंबर बनना है तो आपके अंदर कितनी बातें होनी चाहिए? 3 गुण होने चाहिए। पहला गुण इंडिविजुअल, इंसान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंसान, समझ में आया? तो पहला होना चाहिए इंडिविजुअल, दूसरा होना चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया, तीसरा होना चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया और रेसिडेंट इन इंडिया अंदर एक अंतर है कि सेम है? अंतर है। सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब तुम्हारे वैसे इंडिया का सिटीजनशिप है, पासपोर्ट है। और अगर हम बात करें रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब पिछले साल 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रहे हुए हो, समझ में आ गया? कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर सेक्शन 8? क्या उसे एनपीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है? नहीं, कभी भी ओपीसी एनपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कितने साल रुकना होगा? 2 साल। सुनो, 2 साल के पहले भी हो सकता है, अगर आपका पेडअप शेयर कैपिटल 50 लाख को क्रॉस कर गया, या फिर आपका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर गया, फिर तो 2 साल के अंदर भी पहले भी आपको मौका मिलेगा, और फिर तो करना ही पड़ेगा कन्वर्ट। नहीं आया? आ गया, पूरा आंसर ही लिखा हुआ है, समझ में आया? चलो पढ़ते हैं ऊपर। एक्स परचेज सम गुड्स फ्रॉम एबीसी लिमिटेड ऑन क्रेडिट,
credit period of 1 month was allowed to Mr. X. Before the due date, X went to the company and wanted to repay the amount due from him. He found only Mr. Z there. क्वेश्चन समझ में आया? एक्स ने कुछ परचेज किया कंपनी से, अब कंपनी को पैसा देने गया तो वहां पे कौन मिला? जेड मिला, जो कौन था? फैक्ट्री सुपरवाइजर. ओके, और मिस्टर जेड ने एक्स को यह बताया कि अकाउंटेंट एंड कैशियर लीव पे हैं और उसके पास इंचार्ज, वो इंचार्ज है किसके लिए? कैश रिसीव करने के लिए. तो ही मे पे द अमाउंट टू हिम. जेड इशूड मनी रिसिप्ट अंडर हिज सिग्नेचर. आफ्टर टू मंथ्स एबीसी लिमिटेड ने एक्स को बोला, भाई तुमने अभी तक पेमेंट नहीं किया, और उसका नोटिस भेज दिया. और एक्स ने यह बताया कि सर मैंने तो आपका पेमेंट पहले ही कर दिया, और मैंने किसको किया? मिस्टर जेड को. और ही ऑल्सो कंटेंडेड दैट मिस्टर जेड इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हुम ही हैड मेड द पेमेंट एंड बीइंग एन आउटसाइडर ही ट्रस्टेड द वर्ड ऑफ मिस्टर जेड. एज द ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द जॉब ऑफ इंटरनल मैनेजमेंट. एनालाइज द सिचुएशन एंड डिसाइड वेदर एक्स इज फ्री फ्रॉम हिज लायबिलिटी. पहले तो क्वेश्चन समझाओ अच्छे से. क्वेश्चन कोई समझा सकता है? चलो कौन ट्राई करेगा फर्स्ट? हाँ बेटा, फर्म नहीं बेटा, कंपनी लिमिटेड लिखा है ना. हाँ कोई बात नहीं. हाँ वेरी गुड. ओके वेरी गुड. ओके, अब पूछा जा रहा है कि क्या वो लायबिलिटी, क्या यहां पर जो है एक्स है उसने कुछ परचेज किया था, उसने जब पेमेंट किया तो उसने पेमेंट कैशियर को या अकाउंटेंट को नहीं किया, उसने डायरेक्टली जेड को कर दिया. अब जेड अंदर बैठा हुआ है, वो बोल रहा है कि भाई मैं पैसा ले सकता हूं, तो आप एक आउटसाइडर हैं और आपने अंदर जाकर के क्या कर दिया? पेमेंट चुपचाप कर दिया. अब इंटरनल मैनेजमेंट के बारे में क्या आउटसाइडर को नॉलेज होना जरूरी है क्या? ये किसने सिखाया आपको? सुनाई नहीं दे रहा. डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव. अच्छा, इंडोर मैनेजमेंट, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ने सिखाया कि आपको अंदर की गतिविधियां जानने की जरूरत नहीं है, आप आउटसाइडर है, आपके पास बस नॉलेज होनी चाहिए किसकी? आर्टिकल्स की और मेमोरेंडम की. याद है एमओए, एओए, याद है एमओएन एओए. चलो, तो ऑब्वियस ही बात है इसने क्या किया, इसने पर्टिकुलरली अंदर गया. अब सामने वाला पर्सन मनी रिसिप्ट भी दे रहा है, साइन भी कर रहा है, वही अकेला इंसान मिला, तो अगर मैंने उसको पैसा दे दिया है तो आप मुझे बताइए कि क्या वो पैसा देना सही था कि नहीं था? तो आंसर इज सही था. क्यों सही था? क्योंकि भाई मुझे क्या लेना देना. कई बार जॉब हम एक दूसरे को असाइन करते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. आज मेरे यहाँ पे भी जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कभी कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर है तो आज मैं असाइन किसी और को कर देता हूँ, यार तुम ये काम देख लेना. हालांकि क्लासेस मैनेजमेंट मान के चलो मेरे यहाँ कोई और करता है, लेकिन आज संडे, आज वो आया नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने दूसरे पर्सन को बोला भाई आप पूरी क्लास को मैनेज करेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे. तो कारण क्या था? क्योंकि मेरे पास अब नहीं था पर्सन. तो ऐसा एम्प्लॉयज के अंतर्गत हम इंटरनली चेंजेस लाते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो आउटसाइडर को इतनी अंदर इंक्वायर करने की जरूरत भी नहीं है. और यहाँ पे आउटसाइडर डेट इज मिस्टर एक्स ने इंक्वायर नहीं भी किया तो भी एक्स क्या है? फ्री है. किससे? अपनी लायबिलिटी से. प्रोविजन किसके ऊपर आएगा? डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. समझ में आ गया? जिसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि आउटसाइडर इज डीम्ड टू हैव नोटिस, डज नॉट डीम मीन दैट आउटसाइडर के पास क्या है? नोटिस है. किसका? इंटरनल मैनेजमेंट का. तो अगर कोई भी काम ऐसा है जो आर्टिकल के अंतर्गत रह के, मेमोरेंडम के अंतर्गत रह करके किया गया है, तो वो काम को सही माना जाएगा. और उस केस में अगर आप थर्ड लास्ट लाइन से पढ़ेंगे, सॉरी सेकेंड लाइन से, हेंस मिस्टर एक्स विल बी फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स ए बी सी लिमिटेड एज यस paid the amount due to an employee of the company. याद रहेगा बेटा? पक्का? Next question. ओफो, क्या लिखा है? F एक SSC है और बहुत ही पैसे वाला था. उसको यूज इनकम होती थी किसकी? डिविडेंड की और इंटरेस्ट की. उसने कितनी कंपनी बनाई? 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई. अग्रीड विद ईच टू होल्ड अ ब्लॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट एज एन एजेंट फॉर देम. डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की इनकम अब किसको आने लग गई? कंपनी को. और वो कंपनी से इसी पैसे को किसके नाम पे लेने लग गया? लोन के नाम पर. तो अब आपसे पूछा ये गया है, वो ये इसीलिए कर रहा था ताकि वो अपनी टैक्स की लायबिलिटी को
काम कर सके। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये जो तीन कंपनी उसने बनाई गई है, इस तीन कंपनी को स्टैब्लिश करने का क्या पर्पस लग रहा है आपको, ताकि वो टैक्स की क्या कर पाए, चोरी कर पाए, इविजन ऑफ टैक्स कर पाए। अगर आपको केस स्टडी का नाम याद हो तो आपको लिखना चाहिए, क्या नाम था, डिनशॉ मानेकजेट पेटेट। डिनशॉ आइसक्रीम वाले से इसका कोई लेना देना नहीं है। आइए, वेदर द लीगल पर्सनैलिटी ऑफ ऑल द थ्री कंपनी में बी डिसरिगार्डेड, क्या तीनों कंपनी की लीगल पर्सनैलिटी को अलग अलग माना जाएगा कि तीनों को क्लब कर दिया जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर डिनशॉ ने जो भी किया है वो कोई कंपनी को बनाने का जो काम किया गया उसमें कंपनी के अंदर वो कोई काम नहीं कर रहा है, वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है, इन्वेस्टमेंट्स को रख करके उसकी इनकम को कमा करके अपने आप को लोन दे करके टैक्स को बचा रहा है, क्योंकि लोन लेने पर कभी भी टैक्स पे करना नहीं पड़ता। तो वो जब भी घर जाता था ना सूटकेस भर करके पैसों का, तो इनकम टैक्स ऑफिसर आके बोलता था टैक्स, तो बोलता था भैया लोन लेके आया और चुपचाप घर चले आता था, ये लोन लेकर के आ रहा हूं, इस चक्कर में इसके पैसे क्या हो जाते थे, इनकम टैक्स से ये बच जाता था, और इसीलिए ये कंसेप्ट आया, समझ में आया। इस पर आपको पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। सेम पिंच क्वेश्चन दिख रहा है क्या, अब एफ को अलग करके किसको डाल दिया, अकबर साहब को, अरे वही है, समझ में आया कि नहीं आया, तो सेम ही है, अकबर एन एस एस सी वॉज अ वेल्दी मैन, चलो सेम वही है आंसर। वट डू यू मीन बाई गारंटी कंपनी, वट इज गारंटी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके अंतर्गत अग्रीमेंट से मेंबर्स की लायबिलिटी फिक्स होती है, वो भी देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ दी कंपनी, मतलब हम आपको कभी भी नहीं मंगाएंगे, हम सिर्फ एक ही बार मंगाएंगे, कब, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। लेकिन आपने अपने जीवन काल में जो कंपनीज के बारे में ज्यादातर सुना है वो कौन सी कंपनी पता है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी, उसके अंतर्गत मेंबर की लायबिलिटी कितनी होती है, अप टू द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स, याद आ रहा है, और उसको कभी भी मंगाया जा सकता है। स्टेट द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, व्हाट इज सिमिलैरिटी दोनों के बीच में, पता है क्या, गारंटी कंपनी में भी शेयर कैपिटल हो सकता है और शेयर कैपिटल में तो शेयर कैपिटल होता ही है, समझ में आ गया पक्का। अच्छा, अगर हम डिसिमिलैरिटी की बात करें तो डिसिमिलैरिटी क्या है, पहली चीज मुझे बताओ कौन सा ऐसी कंपनी है जिसमें आप कभी भी पैसा मंगा सकते हो, किसमें वाइंडिंग अप पे ही मंगाओगे, किसमें अग्रीमेंट से लाइबिलिटी तय होती है, और किसके अंदर अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, किसमें शेयर कैपिटल होता ही होता है, और किसमें हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, याद रहेगा पक्का। चलो नेक्स्ट, एग्जामिन विद रीजन स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम टू मेंबर्स व्हाइल अ पब्लिक लिमिटेड मस्ट हैव एटलीस्ट सेवन मेंबर्स, फॉल्स 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 ट्रू, अफिक्सिंग अ कॉमन सील ऑन कंपनीज डॉक्यूमेंट इज कॉम्पल्सरी, ट्रू ट्रू। आज की डेट में अमेंडमेंट आ गया है कि भाई आपको जरूरी नहीं है, तो इससे पहला वाला ट्रू है, नेक्स्ट वाला क्या, फॉल्स, और उसका मैंने रीजन दिया है, अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट डॉक्यूमेंट विच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय अ कॉमन सील विल बी रिक्वायर्ड टू बी सो डन ओनली इफ द कंपनी ऑप्ट्स टू हैव अ कॉमन सील, इन केस अ कंपनी डज नॉट हैव अ कॉमन सील ऑथराइजेशन कैन बी मेड बाय टू डायरेक्टर और बाय अ डायरेक्टर एंड अ सीएस, समझ में आएगी नहीं पक्का, या तो दो डायरेक्टर नहीं तो एक डायरेक्टर एक सीएस से भी काम चलेगा, तो कंपल्सन नहीं है अब किसका, कॉमन सील का, ये अमेंडमेंट था, समझ में आ गया। चलो तो ये भी हो गया, एंड ऑफ द स्लाइड, ओह माय गॉड। चलिए उसके बाद फिर आते हैं, ये क्या कंप्लीट किया अपन ने, एमटीबी, एमटीबी के बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए आएंगे, चलिए स्टार्ट करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। रवि प्राइवेट लिमिटेड हैज बोरोड 5 crore फ्रॉम मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड, दिस डेट इज अल्ट्रा वायरस टू द कंपनी, ओके अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर्स, एग्जामिन वेदर कंपनी इज लायबल टू पे दिस डेट। देखा जाए तो अल्ट्रा वायरस है तो वैसे तो कंपनी की लायबिलिटी नहीं आती, वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, लेकिन अगर पैसा कंपनी के पास पड़ा हुआ है तो वो केस करके इंजंक्शन कर सकते हैं। व्हाट इज इंजंक्शन, स्टे ऑर्डर, अरे सिंपल सी बात है, मेरी पावर के बाहर था, कंपनी की पावर के बाहर था माना, लेकिन पैसा तो रखा है ना, ऐसे में तो हर कंपनी क्या करेगी, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन करके पैसा कलेक्ट कर लेगी, पैसा आपके सामने रखा है, आप आए मुझे मेरा पैसा चाहिए, रखा है पैसा, तू के बता,
हर कंपनी ऐसा करने लग जाएगी, कंपनी बोलेगी भाई अल्ट्रा वायरस है तू कुछ नहीं कर सकता मेरा, और ऐसे में तो कंपनी हर किसी का पैसा खाने लग जाएगी। इसीलिए अगर कंपनी के पास पैसा दिख रहा है तो अपन क्या लगा देंगे, इंजंक्शन। अच्छा, अगर कंपनी ने ये पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो अब उस प्रॉपर्टी पर चार्ज किसका आ जाएगा, क्रेडिटर का, जिसने पैसा दिया है। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जो कंपनी है उस कंपनी ने इसी पैसे से किसी का उधार चुकता किया है, तब ये क्रेडिटर इस जिसका उधार चुकता किया ना मिस्टर एक्स, उसकी पोजीशन में आके बैठ जाएगा। और ये सब पता है क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ओफो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ना होने पर भी होने का एहसास, उसे अपन क्या बोलते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट है नहीं लेकिन मान लिया जाता है। अरे समझ में आया? और क्यों मान लिया जाता है, बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ताकि कोई डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे ना हो। नहीं तो भाई कंपनी तो हमेशा अल्ट्रा वायरस करके पैसा खा जाएगी और बोलेगी भैया आपकी गलती, अल्ट्रा वायरस था, आपको आपने नहीं पढ़ा एमओए एवे, ये हमारी गलती नहीं, अब पैसा हमारा हो गया। ऐसे में तो कंपनियां लोग इसीलिए बनाना चालू कर देंगे। तो हमें देश में सुख शांति पूजा आस्था कल्पना ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे छिछोरो, हाँ है ना, ये तो ऑब्वियस ही बात है ना, सुख शांति चाहिए नहीं चाहिए, समृद्धि चाहिए नहीं चाहिए, तो ये सब चाहिए। इसीलिए लॉ ने हमारे लिए लाया क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ये भगवान, हरिओम हरिओम। आइए तो बात करते हैं, कोई भी डाउट इसमें पक्का चला जाओ। तो यही बातें यहां पर भी लिखी है, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा पक्का। तो यहां पर अगर देखा जाए तो देखो लास्ट लाइन, सो द मुद्रा कैन क्लेम फॉर द अमाउंट विद एक्सप्रेस लिमिट प्रिस्क्राइब्ड इन द मेमोरेंडम, और वो सारी बातें वहां पर लिखी थी। कोई भी डाउट तो नहीं इसमें? चलो, ये क्वेश्चन पीछे तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है? बोलो ना, ये सो गए क्या? चलो एक सेकेंड, फिर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कहाँ चला गया, कौन सा क्वेश्चन था? यही था ना? ओहो, एक सेकेंड रुको। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या? ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन को, दिख रहा है? अरे ऐसा ना। चलो, साउंड सिंडिकेट अ पब्लिक कंपनी, इट्स आर्टिकल एम्पावर्स द एमडी टू बोरो बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मिस्टर एल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अप्रोच इजी फाइनेंस फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी फॉर अ लोन ऑफ 25 लाख इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो कंपनी ने अधिकार दे रखा था आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हो। एमडी चला गया क्या लेने के लिए, लोन लेने के लिए। लेंडर अग्रीड एंड प्रोवाइडेड द अबव सेड लोन। लेटर ऑन Sound Syndicate refused to repay the money borrowed on the pretext that no resolution authorizing such loan have actually been passed by the company and the lender should have inquired about the same prior to providing such loan and hence company is not liable to pay the loan. Company का कहना यह था भैया, empower था उनको, अधिकार था कि वो loan ले सकते हैं, लेकिन एक बार उन्हें क्या pass करवाना था, resolution। इन्होंने resolution pass नहीं किया और ये आपकी गलती है, आपको पहले हमारे पास आना चाहिए था, पूछना चाहिए था रेजोल्यूशन पास हुआ है क्या, और अगर पास हुआ है तो ही कंपनी को क्या देना चाहिए था, लोन देना चाहिए था। आपने किया, ये आपकी बेवकूफी है। अब आप बैंक, आपका पैसा डूब गया, कैसा बोल के कंपनी बच सकती है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि जब एक बच्चा मेरे आ रहा है इंक्वायरी करने के लिए, बोल रहा है सर मैं सीए का कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं उससे बोलूंगा पहले मम्मी से बात कराओ बेटा, सर घर पे बता के निकले हो ये काम करने के लिए जा रहे हो, कैसा कुछ मैं पूछता हूँ क्या कभी? नहीं, मैं बच्चे को बोलता हूँ हाँ भाई ये कल से डेमो क्लास अटेंड करिए। बच्चा डेमो क्लास अटेंड करा, फिर मानो बेटा रोज आ रहा उसको लत ही लग गई, और रोज आते आते उसने रेगुलर क्लास में भी बैठना चालू कर दिया, और उसने अभी तक ये फीस पे नहीं की। चार महीने बाद अब हम फीस की डिमांड कर रहे हैं, और जैसे हमने बच्चे से बोला फीस पे करो तो मम्मी पापा तक फोन गया कि सर फीस ड्यू है, बच्चा चार महीने से नहीं दिया है। बोले अरे हमें तो पता ही नहीं था कि वो सीए कर रहा है, आपको हमसे पहले पूछना चाहिए था, आपने नहीं पूछा, आपकी गलती। अब आप बच्चों को काम करो, घर पढ़ा करके भेज दो, फीस तो नहीं मिलेगी। कैसा होगा क्या, क्या मैं बच्चे को धर के रख लूंगा? अरे हाँ है ना, तो ऑब्वियस ही बात है, आप मुझे बताइए अरे ये मेरी गलती है क्या, मैं कहाँ कहाँ तक इंक्वायर करता रहूंगा? तो वैसे ही तो केस किसका भी है,
कंपनी का भी है भाई, ऑब्वियस ही बात है। अब कंपनी ने बैंक में, बैंक को इतना पता है भाई एमडी ऑथराइज्ड है, अब वहां पे वो अंदर कहां कहां पता करता रहेगा, रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ, ऑथराइजेशन हुआ नहीं हुआ। यहां पे किसका डॉक्ट्राइन लगेगा पता है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। भाई मेरे को अंदर का नहीं जानना है, आप ऑथराइज्ड है, आप आए हैं लोन मांगने, मैं आपको दूंगा, बाद में किसको लायबल करूंगा, कंपनी को। अरे नहीं आया, आ गया पक्का, अच्छे से चलो। तो यही है, दैट इज अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर दिया भी हुआ है आंसर। कोई भी डाउट, यस और नो? चलो आ जाओ, आइए फिर नेक्स्ट कंसेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं, डिफाइन ओपीसी एंड स्टेट द रूल्स रिगार्डिंग इट्स मेंबरशिप, क्या ये पढ़ चुके हैं अपन? ओके चलो, तो ये पढ़ लिया तो इसको अलग करें। ओके, स्टेट द लिमिटेशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, क्या लिमिटेशन है? लिमिटेशन मतलब एक्सेप्शन, कि कहां पर आपको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अच्छा, ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किसको प्रोटेक्ट करता है? आउटसाइडर को। तो कौन से केस में वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा? तो ऐसा केस था पहला, जहां पे आपको नॉलेज होगी, दूसरा फॉर्जरी, और तीसरा नेग्लिजेंस सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। यस और नो, वही है कि नहीं है? वैसे तो दो और होते हैं लेकिन वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, पांच होते हैं। इंटर पे आओगे ना, सी इंटर पे आना ना, हाँ तो ऑब्वियस याद है, तब अपन इसे देखेंगे। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं, व्हाट डू मीन बाय कंपनी विद चैरिटेबल पर्पस, कौन सी कंपनी होती है? एनपीसी, वेरी गुड। मेंशन द कंडीशन ऑफ द इशू एंड रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो आपको लाइसेंस लेने के लिए किसके पास जाना पड़ेगा? गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, और आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर कराते समय आपको बताना पड़ता है कि हम सिर्फ इस पर्टिकुलर चीजों में काम करेंगे, फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजियस, चैरिटी, इनके लिए आएंगे, और हम कोई भी पैसा डिविडेंड के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। समझ में आ गया? तो आपको लाइसेंस दे देती है गवर्नमेंट। अच्छा, गवर्नमेंट जब लाइसेंस देती है ना, तो कुछ चीज़ों का अपन को बेनिफिट होता है, जैसे कि पहला बेनिफिट, आपको पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिर जो भी रजिस्ट्रेशन होता है इस सेक्शन के अंतर्गत, आपको वही सारी चीजें जो कि आपने जिसके लिए बनाया है सिर्फ उसी में ही पैसा लगाएंगे। अगर आपने इसके अलावा और किसी में पैसा लगाया, डिविडेंड बांटा, तो आपके लाइसेंस को क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। ये सारी बातें आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। कोई भी डाउट? चलो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, स्वागत करेंगे। पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, टोटल शेयर कैपिटल कितने करोड़ की है? सुनाई नहीं दे रहा, 20 करोड़। 12 लाख इक्विटी शेयर है और 8 लाख प्रेफरेंस है। समझते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस? ऑसम। डिलाइट प्रोडक्ट लिमिटेड एंड हैप्पी प्रोडक्ट लिमिटेड होल्ड 2.5 लाख एंड 3.5 लाख। ओके रुको, आराम से पहले इसका बनाएंगे डायग्राम। कौन सी कंपनी थी ऊपर? पॉपुलर। ओहो एक सेकेंड, अपन इस पे जाते हैं, पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर एक कंपनी है जिसमें कितने शेयर्स हैं? 12 लाख है ना। चलिए 12 लाख शेयर्स हैं, इक्विटी 8 लाख है, प्रेफरेंस, चलिए ठीक है भाई 8 लाख भी लिख लेते हैं ऐसे ही। ओके, डिलाइट एंड हैप्पी दो हैं, ये रहा डिलाइट, ये रहा हैप्पी। डिलाइट कितना होल्ड करता है? 2.5 लाख शेयर्स, और ये कितना होल्ड करता है? 3.5 लाख शेयर्स। ओके, और डिलाइट और हैप्पी, अनदर कंपनी चेयरफुल लिमिटेड शेयर्स इस पे, अच्छा अनदर कंपनी चेयरफुल प्रोडक्ट लिमिटेड होल्ड्स 2.5 लाख शेयर्स इन पॉपुलर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ओके, पॉपुलर प्रोडक्ट लिमिटेड में और कौन होल्ड करता है? चेयरफुल, कितने? 2.5 लाख। कितने लोग होल्ड कर रहे हैं? 3 लोग होल्ड कर रहे हैं ना, डिलाइट, डिलाइट प्रोडक्ट, हैप्पी प्रोडक्ट 2.5 लाख, 3.5 लाख। अनदर कंपनी चेयरफुल प्रोडक्ट, वो कितने करती है? 2.5 लाख। ओके, जोवियल लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल थ्री कंपनीज। अच्छा, तीनों कंपनी के पापा कौन है? पापा समझते ना, होल्डिंग कंपनी, तो होल्डिंग कंपनी हो गए। अरे पापा कैसे है पता ये? क्योंकि बेटा सेक्शन क्या है होल्डिंग कंपनी का? 2 सब सेक्शन, 46। ये कैसे आया पता है? आज जैसे पापा, बेटा मेरे पापा मेरे को जब भी देखते हैं ना, वो मुझे एक ही चीज बोलते हैं, तेरे को 4-6 दूंगा। क्या दूंगा? 4-6 दूंगा। तो ये क्या हो गया? 2 सब सेक्शन 46। आपको भी बोलते होंगे, सबकी शक्लों से दिख रहा है, ठीक है आइए। तो अगर हम बात करें तो ये कितना हो गया? 2 सब सेक्शन 46। अच्छा, बेटा कंपनी कौन सी हो गई? होल्डिंग की सब्सिडरी, सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी मतलब बेटा। बेटा अपने पापा से दुगना और एक कदम आगे रहना चाहता है, तो दुगना मतलब 4 2 8 और 6 + 1 7। जैसे मैं अपने पापा का दुगना ही हूँ बेटा, एक कदम आगे नहीं निकल पा रहा है, समझ में आया? तो ऑब्वियस ही बात है, तो ये हो गया 2 सब सेक्शन 87 सब्सिडरी। और एक होता है हमारा दोस्त, दोस्त को अपन क्या बोलते हैं? एसोसिएट। अपन अपने दोस्त को क्या बोलते हैं?
आइए, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारे सेक्शंस याद हो गए। तो होल्डिंग कंपनी 2 सब सेक्शन 46, बेटा कंपनी 2 सब सेक्शन 87 और दोस्त कंपनी, वेरी गुड। आइए तो अगर हम बात करें, आ जाओ अब ध्यान से समझिए, जोवियल लिमिटेड कौन हो गए बेटा, पापा हो गए, किसकी, सी की, डी की और एच की। अब आइए बात करते, अगर देखा जाए जो मेरा है क्या वो पापा का है, हाँ या ना, ऑब्वियसली बात है। जैसे मेरे पापा अभी यहाँ नहीं रहते, वो मध्य प्रदेश में रहते, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है। लेकिन जब वो किसी को बताते होंगे तो क्या वो ये बताते होंगे छत्तीसगढ़ में भी हमारा काम चलता है, छत्तीसगढ़ में भी हमारी कोचिंग क्लासेस है, वहाँ पे भी हमारी वर्किंग चालू है, तो ये सारी चीज़ें बताई जाती होगी, तो ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब क्या है, पापा बेटों की प्रॉपर्टी को पापा अपनी प्रॉपर्टी मानते हैं। तो आज बेटों ने कितना लगाया, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 3.5 लाख, टोटल कितना लगाया है, 8.5 लाख लगाया, पक्का, किस में लगाया, पॉपुलर में लगाया। अब ये वो ये हमसे क्या पूछना चाहते हैं, पूछना ही चाहते हैं कैन जोवियल बी टर्म्ड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ पॉपुलर लिमिटेड इफ इट कंट्रोल्स कॉम्पोजिशन ऑफ, अच्छा पहली चीज तो अब ये छोड़ दो, तो आपसे ये पूछा गया है कि भाई ये जो जोवियल लिमिटेड है, ठीक है, क्या ये जोवियल लिमिटेड पॉपुलर लिमिटेड की, जोवियल लिमिटेड पॉपुलर लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी बोली जा सकती है कि नहीं, आया ना, आया ना। पहले मुझे बताइए कितना शेयर कैपिटल है, 12 लाख की 20 लाख, अच्छा होल्डिंग सब्सिडरी की डेफिनेशन बताओ, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अनदर कंपनी कंट्रोल्स या होल्ड्स मोर देन 1/2 ऑफ दी टोटल वोटिंग पावर, टोटल वोटिंग पावर। वोट्स डालने के लिए कौन सी शेयर्स होने चाहिए आपके, प्रेफरेंस, क्योंकि इक्विटी से ही मिलता है मालिकाना अधिकार, मतलब कि वोटिंग पावर है कितने शेयर्स में, 12 लाख, 12 लाख का डिवाइडेड बाय 1/2 किया तो कितना हो गया, 6, और हमारे बच्चों ने कितना लेकर के रखा है, 8.5 लाख, मतलब 6 से ज्यादा ही है। मतलब देखा जाए तो क्या जोवियल पॉपुलर को होल्ड करना चालू कर सकता है, आंसर इज यस, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा, सर हम इसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, प्रोविजन में लिखोगे होल्डिंग सब्सिडरी, दोनों की डेफिनेशन लिखोगे और उसके बाद फिर केस पूरा ऐसा समझाओगे कि जैसे आपको बताना होगा कि सी डी एच इतना इतना होल्ड करते हैं, टोटल कम्स अप टू 8.5 लाख शेयर्स एंड एस जे दैट इज जोवियल, पूरा लिखना, जोवियल लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ दीज थ्री कंपनीज, सो हैंस 8.5 लाख, हैंस जो भी ये 8.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है ये माना जाएगा जैसे किसने किया है, जोवियल ने किया है, किसमें, पॉपुलर में, तो उस तरीके से पॉपुलर कंपनी क्या बन गई, सब्सिडरी, किसकी, जोवियल की। आया कि नहीं आया, आ गया, फिक्स है, चलो तो ये वाली चीज़ है, ओके, तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई है वहाँ पर, चलो अब आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या अपन ने पढ़ चुका है, यस और नो, कहाँ पढ़ा था पता है, मॉक टेस्ट पेपर में ही पढ़ा था क्या, और अभी अपन क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में आ गए ना शायद, कि नहीं आए, मुझे नहीं याद है वैसे, प्रीवियस ईयर में आ गए, हाँ प्रीवियस ईयर में आ गए, मतलब वहीं से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आया, यस और नो, अरे वही वाला है ना, जेड को देके आ गया था, अंदर कोई था नहीं कैशियर वगैरह, ये वाला क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। उसके बाद अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 अर्न्ड ह्यूज प्रॉफिट, सेम पिंच हो गया क्या, ये भी सब लोग अप्रोच कर रहे हैं हमें, डिविडेंड चाहिए, डिविडेंड चाहिए। There are cases where company law disregards the principle of corporate personality that the company is a legal entity distinct from its member or shareholder. ये किसकी बात कर रहे हैं पता है आपको? Lifting of the corporate veil. तो अलग अलग बहुत सारे cases में होता था, protection of revenue के लिए अपन करते थे, yes or no? जिसमें Dinshaw versus Dinshaw का अपन ने केस पढ़ा, फिर trading with enemy को लेकर के था, characteristics of the company को लेकर के था, याद आ रहा है? तो ये सारी बातें आपको वहां पे बकायदा लिखनी पड़ेगी। ओके, व्हाट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ, अरे ये तो उसका आ गया, सोगा का, जाने देते हैं इसको, सॉरी, यहाँ पे कंप्लीट, आया कि नहीं आया, पक्का, चलो ये प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट हो गया, आप किस में आएंगे अपन, आरटीपी, फटाफट, इसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा, चलो चलो आ जाओ, क्या लिखा हुआ, एबीसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैविंग कितने मेंबर्स, ऑल द मेंबर ऑफ द कंपनी वर गोइंग बाय कार, कहां पे जा रहे हैं, मुंबई, और क्या बोला गया, इन रिलेशन टू सम बिजनेस एन एक्सीडेंट टुक प्लेस एंड ऑल ऑफ देम डाइड, मतलब गए थे कार में, आए हैं अखबार में,
अरे आया कि नहीं आया, तो ऑब्वियस ही बात है. नाउ आंसर विद रीजन अंडर कंपनीज एक्ट वेदर एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी हैज आल्सो कम्स टू एन एंड. बताइए एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी एंड आ गई क्या? नहीं, क्योंकि कंपनी की कैसी होती है? परपेचुअल सक्सेशन. तो यहां पर लास्ट लाइन पढ़ो, देयरफॉर इवन विद द डेथ ऑफ ऑल द मेंबर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट. सर ऐसा क्यों? सुनो मेरी बात, मैंने रिलायंस में अभी 20 लाख रुपए लगाए हैं. मेरी बैलेंस शीट में रिलायंस कहां आता होगा? लाइबिलिटी की एसेट, लाइबिलिटी शेयर कैपिटल, लाइबिलिटी एसेट में. अरे शेयर्स है ना, शेयर्स है ना सर, वो कंपनी की शेयर कैपिटल, उसके लिए लाइबिलिटी, आपके लिए तो इन्वेस्टमेंट है, तो वो मेरी क्या हो गई? एसेट. अच्छा मेरी डेथ हुई तो पीछे मैं क्या छोड़ के गया? जूनियर अचिन. अरे हाँ या ना, तब आप मुझे बताइए मेरी जो भी बैलेंस शीट है उसमें जितनी भी एसेट दिख रही है वो सब किसके पास चली आएगी? जूनियर अचिन के पास. तो अगर बड़े मालिक गए तो छोटा मालिक छोड़ गए ना. सर छोटा मालिक नहीं है घर पे तो क्या होगा? अरे घर परिवार है मेरा, तो कोई ना कोई और के नाम पे जाएगा. तो जो मेरी एसेट है वो जिसके भी नाम पे जाएगा वो कंपनी का क्या बन जाएगा? मेंबर. तो कंपनी के अंतर्गत ये परपेचुअल सक्सेशन है. द मेंबर में कम, द मेंबर में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. समझ में आया? पक्का? चलो डिफाइन ओबीसी कर लेंगे क्या? ओके, इज ब्रीफली एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस. अल्ट्रा वायरस क्या होता है? अल्ट्रा मीन्स Beyond, and virus means powers. मतलब आपने beyond the power काम किया. किसके power के beyond? Company. Company के power कहाँ लिखे? ओफो, MOA में. अच्छा मुझे बताओगे MOA, MOA, इसके अंदर कितने clause होते हैं? 6. और अगर OPC के केस में देखा जाए तो? अच्छा 6 clause का नाम क्या है? NASOLCA. NASOLCA में name clause, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज, याद रहेगा. नेम क्लॉज में अपन लिखते हैं नेम ऑफ द कंपनी, सिचुएशन में क्या लिखते हैं? स्टेट का नाम. अरे गली मोहल्ले का नाम नहीं बताना है, किसका नाम बताना है? स्टेट का. जैसे कि अपन बताते हैं आई एम नाटा क्लासेस का सिचुएशन क्लॉज में लिखा होगा इट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ रायपुर. अच्छा छत्तीसगढ़, ठीक है. चलो ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी. चलो लाइबिलिटी क्लॉज में लाइबिलिटी मेंबर की लिमिटेड है या नहीं है. फिर क्या पढ़ा था? कैपिटल क्लॉज, इसमें क्या लिखा रहता है? ऑथराइज है कैपिटल. और एसोसिएशन क्लॉज में क्या लिखा होता है? जैसे अपन सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं ना, क्या लिखा होता है उसमें? कि भाई मेंबर्स, पहले मेंबर्स जो कि क्या बनेंगे कंपनी के अंतर्गत, जो पहले मेंबर्स होते हैं उन्हें अपन बोलते हैं, दैट इज हमारे सब्सक्रिप्शन क्लॉज में. इसके लिए अपन ने टाटा मोटर्स का देखा था क्या? अरे दिखाया था MOA, क्या कर रहे हो? टाटा मोटर्स का आओ एक बार, जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है वो एक बस नज़र मारेंगे, ठीक है? फटाक से कहाँ चला गया है? चलो क्या लिखा? नेम ऑफ द कंपनी टाटा मोटर्स लिमिटेड. दूसरा स्टेट कौन सा लिखा है? ऑब्जेक्ट क्लॉज. मैं पढ़ूंगा नहीं, अस्थमा का अटैक आ सकता है मेरे को, ठीक है, कमजोर दिल का हूं. ये थर्ड क्लॉज देख रहे आप? ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब तुम देखना कितना बड़ा लिखा है. चलते जाओ 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 रुकना नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ थकना नहीं, चलते जाओ वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो सामने पहाड़. समझ में आया? इतना सारा लिखा है, मतलब तुम समझ रहे हो, तुम अल्ट्रा वायरस मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर कंपनी ये भी लिखती कि मैं सांस लूंगी, ऐसा भी लिखना पड़ता है. अरे आपके काम की बात बोल रहा हूं, मतलब आप समझ रहे हो. कंपनी ने देखो यहां पे क्या लिखा है, कंपनी ने बोला अगर मुझे बोरो करना होगा तो भी कंपनी लिखती है. कंपनी बोलती है मुझे कहीं फंड को एक्यूमुलेट करना है, वो भी लिखती है. कंपनी बोलती है मैं इन्वेस्ट करूंगी, वो भी लिखती है. कंपनी बोलती है मैं किसी भी प्रकार की अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी को बेचूंगी, वो भी लिखती है. इतना सारा लिखती है कंपनी, और कंपनी वो भी लिखती है जो वो नहीं भी करेगी वो भी लिख सकती है. ऐसा कुछ नहीं कि कंपनी वही लिखती है जो उसे करना है. सर एग्जांपल, एग्जांपल ये रहा, कंपनी बोलती है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, बाइंग, सेलिंग, रीसेलिंग, एक्सचेंजिंग, ऑल्टरिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग, हायरिंग, लेटिंग ऑन हायर, डिस्ट्रीब्यूटिंग, डीलिंग, लोकोमोटिव, बॉयलर, इंजन, गैस, इलेक्ट्रिकल अदरवाइज, टर्बाइन, टैंक, मोटर व्हीकल, ट्रक, लॉरी, ओमनी बसेस, बटर बसेस, मोटरसाइकिल, साइकिल, स्कूटर, बाइसिकल, ट्राइसिकल, साइकिल, ट्रैक्टर, बुलडोजर. देखा क्या कभी टाटा का साइकिल? देखी कभी टाटा की? कभी बोला पापा आगे मेरे को पास होने तो सीए फाउंडेशन में टाटा की बाइक दिलाना, कैसा कभी बोला? नहीं, वो सिर्फ कार में डील कर रहे, ट्रक में डील कर रहे, जेसीबी टाइप की मशीन में डील कर रहे, फिर भी लिख लिया. जब मौका पड़ेगा बनाएंगे, जब मौका पड़ेगा बनाएंगे, मतलब उनको बार बार इसे चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी. समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये हो गए हमारे पूरे
ओके, लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखा होता है फटाक से देखेंगे, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। फिर बता दिए शेयर कैपिटल कितना है बेटा, ये होमवर्क, 400 करोड़, कितना है बेटा 400 करोड़, 40 करोड़ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ये हो गया कैपिटल क्लॉज। और अपना कौन सा सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो 7 लोग होने चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो तो कम से कम 2 लोग होने चाहिए। यहाँ पे 8 लोग हैं, कौन कौन है, टाटा, साकलाट वाला, मोदी श्रॉफ, मठाई, चौकसी, लाम मदान। अरे आया कि नहीं आया, तो ये लोग कौन है, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने 1945 में कंपनी का गठन किया था, तो ये लोगों ने किया। सो तो रतन टाटा ने, रतन टाटा तो बहुत बाद में आए और अब तो वो है भी नहीं, अब है चंद्रशेखर जी, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अब वो हैं। तो रतन टाटा जी टाटा वंश के आखिरी थे, इसके बाद अब टाटा वंश में कोई भी नहीं है, तो अब टाटा की जो भी कंपनीज है वो दूसरे बाहर के लोग ही चलाएंगे। तो जेआरडी टाटा ने कंपनी को चालू किया था, तो जेआरडी टाटा के साथ ये 8 लोग थे, समझ में आ रहा है, जिन्होंने साथ में चालू किया। मैं उम्मीद करता हूँ अगर थोड़ा बहुत आपको याद नहीं आया होगा तो अब याद आ गया होगा, कोई भी डाउट। चलिए अब बैक टू वापस नॉर्मल पोजिशन, अपन किसकी बात कर रहे थे, अपन बात करते कहाँ चला गया, पावर पॉइंट, ये रहा अपन बात करते हैं इसकी। ओके, अल्ट्रा वायरस, तो अल्ट्रा वायरस के लिए क्या बोला है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनी, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जो भी अग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है, उसको रेटिफाई आप कर नहीं सकते, याद आ रहा है। इसके लिए कौन लाइबल होता है, डायरेक्टर्स, ओके, लाइबल तो लाइबल, पर्सनली लाइबल, ऑसम। चलो बताओ करेक्ट एंड करेक्ट, अ कंपनी बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट ओन प्रॉपर्टी, करेक्ट, फॉल्स, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर व्हाइल अ पब्लिक लिमिटेड मिनिमम हैव अ 7 मेंबर्स, बोलो ट्रू। चलिए नंबर 19, सम ऑफ द क्रिएटर ऑफ फार्मास्यूटिकल अप्लायंसेस लिमिटेड हैव कंप्लेन द कंपनी वॉज फॉर्म बाय द प्रमोटर ओनली टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स एंड सर्कमवेंट द कंप्लायंस ऑफ लीगल प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, इन दिस कॉन्टेक्ट दे सीक योर एडवाइस एज टू द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, वो आपसे क्या जानना चाहते हैं कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है, एंड व्हेन द प्रमोटर कैन बी मेड पर्सनली लायबल, तो कॉर्पोरेट विल का पूरा मतलब बताना पड़ेगा, जिसके तहत अपन क्या जानते हैं कि कंपनी अलग है, उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स सभी अलग हैं। और ये कॉर्पोरेट विल कब उठाई जाती है बताइए, जब अपन को कैरेक्टर ऑफ द कंपनी डील करना होता है, जब अपन को रेवेन्यू को प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरी टू एक्ट एज एजेंट, इन सभी केसेस में अपन कॉर्पोरेट विल को क्या करते हैं, उठाते हैं, और उठा करके देखते हैं कि आखिर पीछे कौन था, याद आ रहा है ये सब पक्का, एक्सप्लेन क्लियरली द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कर सकते हैं क्या अपन, ओके, कहां पर आपको डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का मजा नहीं मिलता है, 3 केस, पहला अगर आपको नॉलेज हो, दूसरा सस्पिशियस और नेग्लिजेंस, और तीसरा फॉर्जरी, ऑसम। चौथा पॉइंट अगर हम मई 19 की बात करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लोरा फोना रजिस्टर्ड है किस किस नाम से, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से, कितने मेंबर्स हैं, 230, अच्छा डायरेक्टर और उनके रिलेटिव कितने हैं, 190, एम्प्लॉयज कितने, 15, एक्स एम्प्लॉय ज्वाइंटली मिला के कितने, 10, 5 कपल हैं, और अगर देखा जाए तो ज्वाइंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं तो 10 हो रहे हैं, मतलब 5 कपल है ना, और ज्वाइंटली शेयर होल्ड किए हैं तो दिखा रहे हैं 10 लोग हैं, और अदर्स के केस में 5 हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में क्या बोलता है, देयर इज विल बी आर्टिकल्स में होना चाहिए प्रोहिबिशन, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन। प्रोहिबिशन किस बात का, प्रोहिबिशन किस बात का, इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स, रिस्ट्रिक्शन किस बात का, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और लिमिटेशन किस बात का, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो सकते हैं, मैक्स मैक्स 50 200, इसके अंदर एम्प्लॉयज को काउंट, एक्स एम्प्लॉय को काउंट, मतलब इसको अच्छे से लिखना है तो कैसा, अ पर्सन हु इज एन एम्प्लॉय एंड बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकम्स द मेंबर, अ पर्सन हु इज अ एम्प्लॉय एंड बाय वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिकम्स द मेंबर, या पर्सन हु सीजेस टू बी एन एम्प्लॉय and who by virtue of employment becomes the member and is also presently the member of the company is not counted in the ceiling limit of 200, aur jo joint shareholders hai wo kitne count honge, 1, to aap mujhe bataiye employee 15 count hoga kya, nahi, ex employee 10 count hoga kya, nahi, wo 5 couples hain unko 10 gine ki 5 gine, 5, to kitne kam ho gaye, 15 10 25 aur 5 30 kam ho gaye, yes or no, to bache kitne, 200। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी तो कोई टेंशन नहीं था, अब इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं उन लोग, प्राइवेट, और प्राइवेट में कितने मेंबर्स होते हैं, 200, तो अब यहां पर पूछ रहे हैं कि क्या 200 मेंबर्स, मतलब अब ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें लोगों को कम करना पड़ेगा कि क्या हम डायरेक्टली उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि कम करना पड़ेगा,
कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, आपको कम करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? पक्का? अच्छे से ऐसे ही प्रेजेंट आपको भी करना होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा, पक्का? चलो एफ एन एस एस सी कर लिया क्या? चलो उसके बाद कैन आई एनपीओ बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? इफ सो व्हाट इज द प्रोसीजर? तो प्रोसीजर सिंपल सी बात है, आपको उसका बताना पड़ेगा कि हमसे उसी काम में लाएंगे, प्रमोशन ऑफ आर्ट साइंस कॉमर्स एजुकेशन, याद आ रहा है? और इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा।